वेलकम लर्नर्स टू अनलॉकिंग विट्स. इन जस्ट लास्ट एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी कंबाइन मोर देन वन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस मोर देन वन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. सो मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज अ सब्जेक्ट विच हैज़ नो फाइनाइट वर्ब. ठीक है, तो अगर किसी सिंपल सेंटेंस में कोई फाइनाइट वर्ब है तो हम उसको हटा देते हैं, उसकी जगह अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लगा देते हैं, पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन लगा देते हैं, और अगर उसमें बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आया तो बीइंग या हैविंग बीन लगा देते हैं, और उसका मतलब हो जाता है के कारण से. और अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है और सेंटेंसेस में कॉजल रिलेशन है, कारण परिणाम का संबंध है, तो हम उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ देते हैं. ये थ्योरी मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताई थी और एक आध एग्जांपल भी बताया था. एक्चुअली एग्जांपल ज़्यादा बताने की ज़रूरत होती है तो, और ये भी पर्याप्त नहीं है. आप कोई ग्रामर की अच्छी बुक लीजिए और उसमें सेंटेंसेस होगा किसी भी ग्रामर की अच्छी बुक में और उसमें देखिए, या फिर अखबार देखिए, आप अखबार में ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको. आप दो सेंटेंसेस बना लीजिए, अखबार से दो सेंटेंस निकाल लीजिए, उनके सेंटेंस उनके सब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए और उनमें कॉज और कंसीक्वेंस का संबंध होना चाहिए और उनको जोड़ दीजिए, तो ये अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी. बल्कि अखबार से ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है. तो जैसे हमने ये दो एग्जांपल पहले से लिख के रख रखे हैं टाइम बचाने के लिए. तो एक है, ही वॉज अ हिस्ट्री शीटर ऑफ दैट एरिया. ओके, ये सेंटेंस है. हिस्ट्री शीटर मीन्स, हिस्ट्री शीटर इज अ पर्सन ऑफ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड. एक जिस व्यक्ति का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, एक आपराधिक इतिहास होता है, उसको हम कहते हैं कि वो हिस्ट्री शीटर है. बदमाश हो सकता है, चोर हो सकता है, यानी कि वो उस काम के लिए कई जगह उसकी रिपोर्ट है, उस पर कई केस चल रहे हैं, इस तरह से. तो क्या होगा, हिस्ट्री शीटर इज अ पर्सन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड. तो ही वॉज अ हिस्ट्री शीटर ऑफ दैट एरिया, पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर इंक्वायरी ऑफ अ मर्डर केस. तो हमने देखा इसका सब्जेक्ट ही है, इसका सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है. तो सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है. और ये है कारण क्या है कि वो हिस्ट्री शीटर है, और परिणाम क्या हुआ कि पुलिस अरेस्ट करके लगी किसी मर्डर केस में इंक्वायरी के लिए उसको, क्योंकि ये एक नॉर्मल उसकी पुलिस की एक रूटीन एक्सरसाइज है. जब भी कोई क्राइम होता है तो वो सबसे पहले हिस्ट्री शीटर को पकड़ती है ना, तो इंक्वायरी के लिए. तो ये सब्जेक्ट डिफरेंट है और क्या है, इनमें कारण और परिणाम का संबंध है, तो जुड़ जाएंगे. तो क्या होगा, और ध्यान रखिए, कारण वाले संबंध जो सेंटेंस कारण बताएगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही एब्सोल्यूट करना है. तो हम इसे करेंगे ही. अब ये वॉज के बाद क्या है, अ हिस्ट्री शीटर है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वॉज के बाद कुछ वर्ब तो है नहीं, तो हम इसे क्या बना देंगे, ही बीइंग या हैविंग बीन. ही बीइंग या हैविंग बीन, ठीक है, ही हैविंग बीन. और फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ही हैविंग बीन अ हिस्ट्री शीटर, इसको हम हटा देंगे. अब ये एब्सोल्यूट हो गया, हैविंग बीन अ हिस्ट्री शीटर. अब इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ. तो ही ये हटा दिया है, इसे यहाँ क्या लगाया, बीइंग या हैविंग बीन अ हिस्ट्री शीटर ऑफ दैट एरिया, फिर कॉमा, और उसके बाद फिर पुलिस, और फिर एज इट इज, पूरा ऐसे कुछ नहीं है. लेकिन हो क्या जाएगा, उसके अपराधी होने की, उसके हिस्ट्री शीटर होने के कारण से, उसके हिस्ट्री शीटर होने की वजह से, उसके हिस्ट्री शीटर होते हुए पुलिस उसको इंक्वायरी करने के लिए ले गई एक मर्डर केस में. ठीक है, उसके बाद देखिए, हमने दूसरा ये एग्जांपल लिया है, COVID-19 केसेस इंक्रीज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में COVID-19 के केस बढ़ गए. डिस्ट्रिक्ट में COVID-19 अभी देखा नहीं आपने, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में अभी हम रहते हैं तो वहाँ पर COVID-19 के केस बढ़ गए. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, DA लिख दिया मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखने में, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इम्पोज्ड 1 week लॉकडाउन. तो इसको कैसे करेंगे देख लेंगे हम, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सब्जेक्ट है COVID-19 केसेस. तो सब्जेक्ट डिफरेंट है, कारण क्या है, डिस्ट्रिक्ट में COVID-19 के केसेस वो हुए, इंक्रीज हुए. परिणाम क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा दिया, तो क्या होगा, COVID-19 केसेस
हैविंग इंक्रीज्ड, क्योंकि ये हैविंग क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था, सब्जेक्ट ये था, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो कोविड 19 केसेस हैविंग इंक्रीज्ड, ठीक है, आगे मैं डैश लगा रहा हूँ, इंक्रीज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कॉमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड 1 week लॉकडाउन, जुड़ गया ये, मतलब क्या निकला, कोविड 19 के केस इंक्रीज होने के कारण से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीने का लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। अब हम ये तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इस तीसरे एग्जांपल में यू सी इकोनॉमी विल नाउ प्रॉस्पर, इकोनॉमी अब प्रॉस्पर हो जाएगी, 20 lakh crores पैकेज हैज़ बिन अनाउंस्ड टू बूस्ट इट अप, इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 lakh crore रुपये का पैकेज अनाउंस कर दिया गया है, ये दो हैं। अब इनके सब्जेक्ट डिफरेंट है ना, क्या करेंगे जरा जोड़ो, कैसे के जोड़ेंगे, देखो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर मस्ट बी अ कॉजल रिलेशन और यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एब्सोल्यूट विच शोज द कॉज, जो कारण बताने वाला सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करना है, तो कारण बताने वाला सेंटेंस तो यह है, ये तो परिणाम आएगा ना उसका, ये कंसीक्वेंस आएगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, इकोनॉमी प्रॉस्पर होगी, है ना, इसका क्या कारण होगा इकोनॉमी बूस्ट, ये होगा, है ना, ऐसा मत करना बाबा, सोचो ना उसको, वो जो हम उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम उसको कारण बता रहे हैं उसमें, है ना, और अगर हम कारण बताने के लिए बिकॉज का इस्तेमाल करते या सो दैट का इस्तेमाल करते तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं बनता, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है या कंपाउंड जो भी बनता, लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही रहनी होती है, सिंपल सेंटेंस जब आप बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, बाकी अगर कोई फाइनाइट वर्ब हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, तो ये फाइनाइट वर्ब हटाने की मशक्क़त हो रही है यहाँ पर, अब हम ये हटा देंगे तो फाइनाइट वर्ब हट जाएगी उसकी, तो बताइए कैसे जुड़ेगा अभी ये, अरे भाई वो सही बता रहा है भाई, ये कारण बताने वाला तो ये है ना, ये सेंटेंस कारण बताने वाला है, इसको एब्सोल्यूट करेंगे, कॉमल करेंगे, तभी तो होगा कि 20 lakh crore का पैकेज इकोनॉमी को बूस्टअप किए जाने बूस्टअप करने के लिए अनाउंस होने के कारण से इकोनॉमी अब बूस्ट प्रॉस्पर होगी, तो क्या होगा, 20 lakh crore पैकेज हैविंग बीइंग बूट लिख दिया बूस्ट टू बूस्ट इट अप, हाँ कॉमा द इकोनॉमी विल नाउ प्रॉस्पर, क्या पढ़ते हो, ये सही जुड़ गया, ये सही तो जुड़ा, लेकिन इसको जोड़ने के प्रोसेस में अ मिस्टेक अपीयर्ड, क्या बता, तो ये तो इट अप है, टू बूस्ट इट अप सही तो है, ये हैं ये आप तो भी तो लिखा है, टू बूस्ट इट अप सही तो है, टू बूस्ट इट अप सही है, देखो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेंटेंस में अगर वो लंबा है बड़ा है तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये इट क्या है बताना ज़रा, किसके लिए,
ये इकोनॉमी के लिए है ये, तो हम क्या कहेंगे, टू बूस्ट द इकोनॉमी अप। याद रखें इस बात को, कंपटीशन में भी याद रखिए इस बात को, पहले नाउन आएगा तब उसके बदले में प्रोनाउन आएगा। आपको पता है कि प्रोनाउन इज अ, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड फॉर नाउन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भाई यहाँ पर ये इट यहाँ से वैसे तो जुड़ तो सही गया, लेकिन जुड़ने के प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने प्रोनाउन को पहले लिख लिया, नाउन को बाद में लिख लिया, वो इसमें गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, बूस्ट द इकोनॉमी अप, फिर इसको हटा देंगे। अब ये हाँ इसकी जगह हटा जाएगा, ये भी सही है, अब ये समझ गया बालक, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। एक तीसरा एग्जांपल ये मैं आपको दे रहा हूँ, देखो इसमें तीन सेंटेंस लिखे हैं अब मैंने, 1, 2, 3। पहला सेंटेंस क्या है, हिज सिस्टर हैज़ बिन इल ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द टर्म, हर स्टडीज हैव फॉलन इनटू एरियर्स, द स्कूल हैज़ डिक्लाइंड टू गिव हर प्रमोशन। अब ये तीनों सेंटेंस में इसमें क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ये कॉज है, हिज सिस्टर हैज़ बीन इल, ये पूरे टर्म में वो बीमार रही, ये कॉज है। इसका कंसीक्वेंस क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ इसका, कि उसकी स्टडीज़ एरियर में आ गई, है ना, और उस ये हो गया। अब ये कारण है, और कारण ये हुआ क्योंकि उसकी स्टडीज़ में एरियर्स हैं, तो इसलिए उस स्कूल ने उसको प्रमोशन देने से मना कर दिया है। तो ये कारण है, ये परिणाम है, ये कारण है, ये परिणाम है। तो ये कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको सब फर्स्ट वाले कारण को, तो क्या होगा, हिज सिस्टर हर है, हिज सिस्टर हैविंग बीन, हैविंग नहीं, क्योंकि देखो मैंने बताया था बी वर्ब है, ये बी वर्ब है ना, इसके बाद ये क्या है, इल है, ये वर्ब तो नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, जो भी वहाँ पर बी वर्ब इस्तेमाल हुई है, जो भी वहाँ पर फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल है, उसको हटा देंगे और उसकी जगह लगा देंगे या तो हैविंग बीन या फिर खाली बींग, हैविंग बीन भी कर सकते थे और बींग भी कर सकते थे। के कारण से हर सिस्टर हैविंग बीन इल, अब इसको मैं ऐसे ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द टर्म, है ना, एंड इसको भी एब्सोल्यूट करो, अब हर स्टडीज को, हर स्टडीज, अब इसमें ये सेंटेंस क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, है ना, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, हर स्टडीज हैविंग, अगर पैसिव में होता तो हैविंग बीन करते इसको, हैविंग फॉलन इनटू एरियर्स, कॉमा द स्कूल हैज डिक्लाइंड टू गिव हर प्रमोशन। तो मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी बहन के पूरे टर्म में बीमार होने के कारण से और उसकी स्टडीज़ के एरियर में आने के कारण से स्कूल ने उसको प्रमोशन देने से मना कर दिया। तो ये इस तरह से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू।